इवनिंग, आज इंग्लिश का चैप्टर 11 करेंगे, मैरिज प्रपोजल। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द नेम ऑफ मोवल्स डॉग इज, कह रहा है कि जो मोवल्स डॉग था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है लिप, बी है गेस, सी है टॉमी एंड डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज गेस। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द प्लीजेंट यूज द लैंड फॉर, कह रहा कि जो प्लीजेंट थे वहाँ के वो लैंड को किस लिए यूज करते थे। ऑप्शन ए है कितने सालों से यूज करते थे। ऑप्शन ए है 30 ईयर, बी है 50 ईयर, सी है 40 ईयर और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 40 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आई विल बी प्रूव टू यू इन अ कोट डैट दे रिमैन सेड, कह रहा है कि ये लाइन किसने कहा था। ऑप्शन ए है नैथिलिया, बी है कुबुकवो, सी है लोमोव एंड डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एंटोन बोकोन वाज डॉट बाई अ प्रोफेसर, जो एंटोन की वो थे वो प्रोफेसर से क्या थे। ऑप्शन ए है टीचर, बी है सोल्डर, डी है सी है मैनेजर एंड डी है डॉक्टर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 पे है। लोमोव क्लेम टू हैव द मेमोरी ऑफ, ऑप्शन ए अ टाइगर, बी है लॉयन, सी है एन एलिफेंट, डी है अ फॉक्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हेन वो लोवो कैम टू कुक बुक वोक डिलेटर, कह रहा है कि जब लिवोक आए थे कुबोक के पास तो वो क्या लेटर उसके बाद क्या किया। ऑप्शन ए है नेग्लेक्टेड हिम, बी है वेलकम्ड हिम, सी है अब्यूज्ड हिम, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वेलकम्ड हिम, बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नतालिया इज, कह रहा है नतालिया क्या है। ऑप्शन ए है श्रेय, बी है एन इंसेंस, सी है अ पीस लविंग, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अ पीस लविंग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ मैरिज प्रपोजल इज, कह रहा है कि मैरिज प्रपोजल क्या है। ऑप्शन ए है ट्रेजेडी, बी है स्टायर, सी है ट्रेजेडी कॉमेडी, डी है कॉमेडी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ही कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लोमोक एंड डॉट आर द क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मेलोडोन्स, ऑप्शन ए है नचिलाल, नटलिया, बी है कुक बुक्स वो, सी है सोमोव एंड डी है नताशा। सो हमारा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एंटोवोन की वोक वाज बर्न इन, कह रहे कि एंटोन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1850, बी है 1870, सी है 1860, डी है 1880। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एंटोन की वोक डाई इन, कह रहा है कि एंटोन का डेथ कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1905, बी है 1904, सी है 1910, डी है 1912। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1904। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एंटोन विको वास, ऑप्शन ए एन अमेरिकन, बी है एन इंडियन, सी है अ जर्मन, डी है अ रसिया। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रसियन थे वो, डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लोमोक वांटेड टू, ऑप्शन ए है केल नतालिया, बी है मैरी नतालिया, सी है चीट नतालिया एंड डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मैरिज नतालिया, वो शादी करना चाहते थे, बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। टू नो लोवोन्स डिजायर, मिस्टर
कब वोक बिकम, ऑप्शन ए है हैप्पी, बी है एंग्री, सी है सैड, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, कह रहा है मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर नाम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है सिगनोरियो, बी है बर्टेट्रॉल रूशल, सी है एंटोन एंड डी है पियर्स एज बॉक। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एंटन एंटोन हैज रिटन द लेसन, ऑप्शन ए है अ चाइल्ड इज बर्न, बी है मैरिज प्रपोजल, सी है द अर्थ, डी है द आर्टिस्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ मैरिज प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लोवोक वाज द डॉट ऑफ कोबुवोक, ऑप्शन ए है एन एनिमी, बी है फ्रेंड, सी है ब्रदर, डी है नाइबर। सो हमारा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वो उनके पड़ोसी थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। डॉट इज द डॉटर ऑफ कोबुक्स, ऑप्शन ए नतालिया, बी है शतालिया, सी है मतालिया, डी है रतालिया। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नतालिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। नतालिया इज नतालिया डॉग इज नेम, नतालिया के जो वो डॉग्स थे उसका नाम क्या थे। ऑप्शन ए वीप, बी है लिप, सी है निप, डी है डीप। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है। लोवोक्स इज डॉट ईयर ओल्ड, जो लोमोक थे कितने साल के थे। ऑप्शन ए 25, सी है 13, सी है 35 एंड डी है 14। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 35। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। लोमोक इज अ नाइवर ऑफ, ऑप्शन ए है मोनोकोव, सी है रोनोकोव, डी है कोवुकन एंड डी है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 22 पे चलते हैं। लोमोक हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डैश हैंड इन मैरिज, ऑप्शन ए मतालिया, सी बी है नतालिया, सी है रतालिया, डी है शतालिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नतालिया। 23 अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्लेन, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। डॉट से डैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेल्योर, ऑप्शन ए है कोकबुकन्स, सी है लोमो, सी है नतालिया एंड डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। लोमोक्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, ही इज ओल्ड एंड ही इज डैश टू शॉर्ट, ऑप्शन ए टीथ, बी है माउथ, सी है मजल, डी है लेग। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। लोमोक सी डैट ही विल अप्रूव इन द कोर्ट डैट ही डैश मीडोन्स बिलोंग्स टू हिज, ऑप्शन ए है गोट, बी है काउ, सी है बिफेलो एंड डी है ऑक्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्स। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। लोमोक इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, ऑप्शन ए है कास्ट, बी है सेक्स, सी है रिलीजियन, डी है रेडिकल। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। एंटोन की वो बिगेन हिज कैरियर बाय द राइटिंग, ऑप्शन ए है ड्रामा, बी है पोएट्री, सी है कॉमिक स्ट्रक्चर, डी है नोवल। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। नतालिया एंड डैश आर दी क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडोज, ऑप्शन ए है रोमोव, बी है लोमोव, सी है कोकबुकोन, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोमोव। क्वेश्चन नंबर 13 है। द ऑनरशिप ऑफ डैश इज अ डिस्प्यूटेड, ऑप्शन ए ऑक्स मीडोट्स, बी है काउ मीडोट्स, सी है बुल एंड डी है गोट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्स, ए इज आवर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट प्लीज़ आप एक बार चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ही एमसीक्यू करना। थैंक यू सो मच।